सारे भाइयों ने राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार करमू और इस टाइम बैठे हैं भाई नजफगढ़ विधानसभा में। बहुत से नेता हैं जो इसने को हम इसने गजबगढ़ बना देंगे। तो इस टाइम देसी पत्रकार कर्मों के संग हम देख रहे हो देसी कुनबा के रंग। तो सारे का स्वागत है और इस टाइम बैठे हूँ मैं ललित गोयल, सीए ललित गोयल, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है नजफगढ़ तय, उसका कुनबा है। तो देसी कुनबा के रंग लेवांगे और तम देखियो इन रंग में कितना ढंग है। पहले तो सारे के सारे मर्द का राम राम करते, राम राम की तो तूड़ी ही उठा दी तुम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ललित भाई जी मार्केट बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, इनके छोटे भाई हैं, उनकी मिसिज हैं, इनकी माता जी हैं और इनके बड़ा भाई वर्ग इनके बाप हैं। मतलब मेरे तो दुकान बन गया था, मान लो बड़े भाई हैं। चलो जी, तो जलेबी वर्गे सिद्धर करेला वर्गे मीठे सवाल लेवांगे भी और थोड़े थोड़े सवाल भी लेवांगे, थोड़े थोड़े स्वाद भी लेवांगे। तो हाँ जी, राजनीति में आगे। हाँ मैं खुश हूँ। तो दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना चाहिए। ये मुझे इनका स्टार्टिंग से था कि मुझे नजफगढ़ के लिए कुछ करना है। यहाँ गलियाँ ऐसी है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो वो क्या करेगी। तो मैं खुश हूँ। कई बार नून लगता भी राजनीति तो अड़बादी आदमी कर रहे हैं, ये शरीफ से लाला जी ये राजनीति में आगे, तभी तो सब उनके लिए गालियाँ देते हैं ना। अब शरीफ लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो अच्छा कुछ होगा ना। तो ललित जी आप एक बेटी, क्या नाम है इसका? नितारा। अच्छा नितारा, और एक बेटा है? हाँ जी एक बेटा। हाँ बेटा, कौन जीतेगा? पप्पा गोयल जीतेगा। कौन फेड़ा है देखो छोरी का नू, पापा गोयल जीतेगा। चलो जी, अच्छा कदे कदे नू भी दिमाग में आ जाए भाई काम का ही अड़बाद का हथला दिया अपना, ठीक कुनबा में काम चल रहा सही बात, और कदे कदे नू आवा डिमोलाइज हो जाओ कभी, मतलब डिमोटिवेट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन चाहते नजर के लिए कुछ करे तो ये करके ही रहेंगे, तो नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मन ऐसा लगा धक्का आपने दे रखा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट है इनके साथ। कहावत नहीं है भाई, इसका तो पूछूंगा बताऊं भी का भाई, हर कामयाब मानस के पास है एक लुगाई का हाथ है, तो ये कितने के धक्का करे नो पता भाई साहब। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ बट फैमिली का पूरा सपोर्ट है और साथ है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था कि भाई क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चंस थे फैमिली के, बट हाँ आप सबका साथ है और जो है आपका साथ है तो आपका विकास है। हाँ जी बिल्कुल, अब फैमिली का सपोर्ट है, कहने का मतलब कि मेरी अपनी फैमिली का सपोर्ट है और मेरी नजफगढ़ फैमिली का सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है। कहावत है भला कुनबा राजी तो सब राजी। तो इनके छोटे भाई हैं, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम भाई जी? अजय गोयल। अजय गोयल जी, हाँ जी। आप भी मतलब आपने भी नहीं समझाने की कोशिश करी, अच्छी बात कौन नहीं, नहीं हम पहले से जुड़े हुए थे, हमारी टीम थी यंगिस्तान डॉट मी, जैसे हम दोनों ने इसको खोजा और हमने चीजें देखी कि नजफगढ़ में बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमें खत्म करनी है, जो हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। यंगिस्तान का खूंटा आपने गाइड रखा है? नहीं, ये हम दोनों भाइयों की सोच थी, ये हम चाहते थे कि आगे लेके जाए इस चीज को, क्योंकि जो आज का युवा है वो नशे की ओर, और यहाँ पे देखा जाए हमें नजफगढ़ से बाहर जाना होता है और ये नेगेटिव लिस्ट में सब चीजें हमें बहुत बुरी लगी और हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करें हमारे नजफगढ़ के लिए। हम ये सोचते थे पहले कि हम द्वारका चले जाएं, यहाँ बस जाएं, जाके वहाँ बस जाएं, नजफगढ़ में ना रहे, फिर हमने देखा कि नहीं हमें ये सोच बदलने की जरूरत है, इसलिए हम आगे बढ़ के आए और हमने चाहा कि हाँ नजफगढ़ के बदलाव की अब जरूरत है, अब समय आ गया कि नजफगढ़ का बदलाव हो। बदलाव, हाँ जी। आपका नाम? उमंग, उमंग गोयल। तो आप में कुछ है उमंग? हाँ जी, मेरी पूरी उमंग है, पूरा जोश है, उत्साह है कि हम ही जीतेंगे। कैंपेन में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या कहो, ध्यान रखिए हमारा। नहीं, सबको कहते हैं जी, कहते हैं ललित गोयल जी को ही जिताना है, वो आपके ही नागरिक हैं, अगर आपके बीच में से कोई उठ रहा है तो उसे पता है कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, वो उन दिक्कतों से जूझ रहा है तो वो उनके लिए कुछ काम करेगा। जो यहाँ रहता ही नहीं है उसे क्या पता हमें दिक्कत क्या है, ना रोड है ना कुछ है, यहाँ पे कैब नहीं मिलती हमें, हमें कहीं जाना होता है, मतलब जैसे मैं जॉब करती हूँ, मैं जाकर किसी को कहती हूँ कि मैं नजफगढ़ से हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि नजफगढ़ एक अच्छा एरिया नहीं है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए अगर जो नागरिक यहाँ रह के जो काम करेगा वो ही अच्छा काम कर सकता है मेरे हिसाब से, इसलिए हम इन्हें पूरी सपोर्ट में है। कुनबा इतना सपोर्टिव होनी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए हैं। तो इनकी माताजी भी हैं, आपका नाम? मीरा गोयल। हां जी, क्या नाम? मीरा गोयल। अच्छा, एक बात तो मान बड़े ठंडे हो हैं, ये
चीज मांग सोची थी कभी भाई राजनीति वगैरह ललित? मन में कोई सोची नहीं थी कभी, कभी मन क्या सोची थी ललित क्या करेगा? नहीं ऐसे मन में नहीं थी कि नेतागिरी में आएगा, अब है तो हमें मन में है कि ये जीत के रहेगा और नजगढ़ के लिए कुछ करके दिखाएगा। दिमाग बढ़ाते चल रहे के अखबार क्या कुछ नहीं जी, बच्चों का प्यार है इनके साथ। पिस्ता पास्ता खावा है दिखे इनके बीच में बैठे, प्यार है इनका भी हमारा भी, इनके साथ आशीर्वाद है। हम सोचते हैं कि जीते और नजगढ़ के लिए करके दिखाए। अच्छा बचपन का कोई इस तरह का कुछ किस्सा बताओ ललित का कोई जो आपने नूरा कभी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। ये पढ़ाई में था थोड़ा नॉलेज भी थी इसको, फिर बस ये लापरवाही करता था काम के लिए, पढ़ता नहीं था। फिर स्कूल में मैं टीचर गुस्से होते थे कि इनके काम पे आता नहीं है, पढ़ता नहीं है। हाँ जी इसके टीचर गुस्से होते थे। क्या होता था, मैं और भाई साथ में थे तो मैं पांचवी क्लास में था और भाई आठवीं क्लास में था, तो क्या हुआ टीचर आते भाई की शिकायत लेके कि भाई पढ़ता नहीं है ये, अपनी मम्मी को बुला के लाइयो। तो मम्मी को बताया तो मम्मी ने भाई की क्लास बनाई ली अच्छे से, तो इसने प्लान लाया और मेरा स्कूल चेंज करा दिया। अच्छा अच्छा स्कूल चेंज करा दो कोई शिकायत नहीं जानू चाहिए। हाँ तो बली वो नटखट हमेशा से रहे हैं भाई, पोल खुलने लग रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो चीज भी रिकवर करने लग रहे हो भाई, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो हमने नूला सोचा था भाई ललित तो लापरवाह है। नहीं एक्चुअली क्या था नटखट नहीं, बचपन से जो टीम है हमारी वही ऐसी बनी है। मेरे को याद है जो ये बात बता रहे हैं, हम सब ने मतलब मैं और मेरे चार पांच दोस्त थे उनमें से, हाँ सारे हम साथ हैं, राहुल है, रवि है और एक पदम है और भी हमारे दोस्त है, गोल्डन वैली स्कूल में थे हम। तो हुआ क्या, हमने एक मैडम थी हमारी ठीक है, उन्होंने एक लड़के के हाथ पे मार दिया तो निशान पड़ गए थे। अच्छा। उसके खिलाफ धरना दे दिया था बाहर। शुरुआत बांगे लेने उड़ते शुरू कर दिए थे। तो बाहर धरना दे दिया था, अन्याय बर्दाश्त नहीं, अन्याय बर्दाश्त नहीं था ना उस टाइम होता था ना अब होता है। फिर जब ऐसा हुआ तो हमारे को हाथ करके खड़ा कर दिया, फिर उसी की शिकायत भाई को कर दी, छोटे भाई को, इसने मम्मी को बता दिया। फिर मैं भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अरे आंटी जी ने पढ़ाई में ठीक है डॉक्टर, फिर सीए भी कर गया, और सीए जबकि दिमाग का खेल है पूरा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज थी जो मैंने पहले भी बताई है, जो आपके चैनल पे भी बताई थी कि एक सीख थी दादाजी की दादी जी की कि मेहनत से सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आप करना चाहो वो हो सकता है। दिहाड़ी का दिन मर्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही एक दिल में थी बात कि मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, मेहनत करी और हो गया। एक आपके बारे में एक और किस्सा चल रहा, आपके जो दादाजी बोले ले जा मार लिफाफे में बहु पड़ी से जापे में है ये आपसे पूछा। चलो तो इसका बड़ा लॉजिक चल रहा है, इसमें क्या लॉजिक है मतलब उसका एक्चुअली क्या है? ये साइकिल पे बेचते थे माल, बेचते थे कि कहते थे कि ले लो माल लिफाफे में बहु पड़ी है जापे में, ये करते थे। तो उनका लॉजिक इसको माल बेचने का था, उसको पहले गरीबी थी हमारे कोई नहीं, हम आई जब भी साइकिल पे माल बेचते थे पापा और खूब बेचा, यही उसको बस यही नारा लगाते थे ले लो बहु बहु पड़ी है जापे में, ले लो माल लिफाफे में। मतलब लग गया हुआ जो मेहनत करी थी उसी वजह से ठाट बाट, मेहनत का फल हमें, उन्हीं की मेहनत का हमें फल मिला है, उन्हीं मेहनत से बच्चे भी पड़े हैं, उनका आशीर्वाद आज तक भी हमारे साथ है। गेस्ट आ गए इनके मित्र आ गए ललित के, और फिर जब रोटी बनानी पड़े है, सब्जी बनानी, खाना बनाना पड़ा है, तो नू भी हो जाए वाह बनाओगी वाह बनाओगी, ये ऐसा कुछ नहीं हमारे में, हमारे में अब तक तो प्रेम मोहब्बत है, आगे का किसी को पता नहीं होता जी। गर्भ में हुआ तो हाँ जी, देखो अभी ये नहीं है कि ये बनाएगी अब मैं बनाऊंगी, कोई हम तीनों में कोई भी कुछ काम कर सकते हैं। मतलब आप मॉनिटरिंग करो, हम तीनों ऐसे सास बहू का कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक है, दोनों ठीक है, हम भी ठीक है जी। आप तो मतलब मुंह भी चेक करके एक की बात करे फंस जो है। नहीं ऐसी कुछ नहीं है, फिर भी दोनों सही है अपनी, नहीं मतलब खुशी में रहना तो दोनों ठीक है। हाँ जी आप भी ठीक हो? हाँ जी इनके वो जी सब बढ़िया, बड़े प्यार से रखते हैं हमें। हाँ मौज ले रहे हम तो, हाँ अच्छे से मौज में है पूरी। इलेक्शन चलेगा उठेगा, मतलब उठा पटक शुरू होगी और सारे डाल के बात चला रहे हैं इलेक्शन, हम तो थोड़ा थोड़ा कदे कदे नर्वसनेस भी आ गए हैं कभी, मतलब ईसा है नजफगढ़ का इलाका ऐसा ही है तो। हाँ हाँ बिल्कुल,
तो कदे तमनू भी समझाओ भी कदे कुछ बड़ी पंगे हो जाए, कुछ बड़ी वो हो जाए, भाई आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपन करनी है ना राजनीति। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति करनी जी, करनी है बस, करनी बाबा की देन है बस। मतलब बाबा है, करना तो करना। नहीं नहीं, बना बड़ा लड़का हमारा जीता पड़ा है बस, 100% 202% जीता पड़ा हमारे का, पक्का पक्का है, 202% जीता पड़ा है। ऐसा है कि अब जो है नजफगढ़ के लिए काम करना है, और एक चीज है मन में कि जो चीज मतलब राजनीति नहीं कहूंगा मैं, हमें राजनीति नहीं करनी, राजनीति का कोई मन में भी नहीं है, नजफगढ़ के लिए सेवा करनी है और नजफगढ़ की सेवा करेंगे। और बेसिकली एक मन में जो दर्द है नजफगढ़ के लिए कि दिल्ली में और भी देहात थे, नारायणा, मुनीर का, और आप देख सकते हैं लाड़ोसराय, मेहरौली, और भी बहुत सारे देहाती एरिया थे, लेकिन आज नजफगढ़ उस टाइम भी देहात था और आज भी देहात है, लेकिन वो एरिया देहात से कहीं आगे चले गए हैं। उन एरियों को आप कभी नारायणा को देहात नहीं कहोगे, कभी मेहरौली को देहात नहीं कहोगे, लाडोसराय को देहात नहीं कहोगे, एक्चुअल में वो भी देहात है, आज भी वो देहात एरिया है। और अगर रजिस्ट्रा बात करते हैं, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह जी हमने मांगा है, और जहां तक उम्मीद है एक चुनाव चिन्ह साहब से बात हुई है, लगभग तय है, और चुनाव चिन्ह जो हमारा है, जो भाई भरत सिंह जी का चुनाव चिन्ह था, उनको मानता भी बहुत हूँ, और मेरा मानना जैसा उन्होंने नजफगढ़ में विकास करा और विकास की ओर नजफगढ़ को लेके गए, तो इस चुनाव चिन्ह के साथ मैं भी उसी तरीके से में पास हो लिया स्क्रूटनी में। हाँ, स्क्रूटनी पास हो गई है और फॉर्म पास हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल थोड़ा उस तक करांगे, हैप्पी एंडिंग कह लो चाहे कुछ कह लियो, कदे कदे मतलब देखो मैं अभी भी लड़ाई हो जा रहा है, कदे उठापटक होती रह रहे, ये तो आपको मौका है, हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जबकि मैं शिकायत हो नी बोले कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो तो क्या करो, ये भी शिकायत हो तो इनकी कर दो हमारे दर्शक। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है, सुबह मनमाना है, आप उठोगे तो ये गए मिलेंगे, और आप सो गए होगे तो मनमाना फिर ये बात लेट तक आंदे होंगे, इस सोने के बाद आते हैं और उठने से पहले चले जाते हैं। ये बात, इलेक्शन इलेक्शन तक तो नुए उड़न छू रहे, उड़ता पंछी बिल्कुल। चलो और देख लो किसी ने की शिकायत हो तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, कोई शिकायत हां जी, नहीं नहीं, मेरे दोनों बेटे बहुत प्यार से रखते हैं और अच्छे हैं, हम मौज ले रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे, हम मौज से हैं जी, मैं तो कहूंगा मौज लो, मौज लो, रोज लो, क्यों पे मतलब का बोझ लो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इस देसी कुंभा ने रंग लिए और मेरे संग लिए, और तुम बताइयो ढंग के है कुंभा का, कुंभा गिल है तो राजनीति में सक्सेस होया करा, नुगारा कुंभा गिल होना चाहिए, तो कुंभा का हिसाब किताब देख कर बताइयो कुंभा गिल है कि नहीं। तो अगली बार फिर मिलेंगे, देसी मुलाकात किसी कुंभा में जाकर देसी कुंभा के रंग भी लेवांगे और उनका संग भी लेवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हरियाणा, ठोको से।